छतरपुर संकट मोचन मंदिर की जमीन पर दुकानों के मामले और संतों को गुंडा कहने पर महंतों और मंदिरों के पुजारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। महंतों ने स्वीकारा कि ये जमीन मंदिर की है और जमीन पर बनी दुकानें भी मंदिर की है, क्योंकि कुछ लोग मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए चारों तरफ बाउंड्री बना रहे और कुछ दुकानें, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा और हमारे द्वारा बनाई हुई दुकानों पर महंतों को गुंडा बोला जा रहा है। जिस संबंध में मंदिरों के पुजारियों और महंतों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। अनुजय पाठक, ब्यूरो चीफ, छतरपुर, मध्य प्रदेश। व्यक्तियों के ऊपर जांच करके और कार्रवाई की जाए, इसके लिए एसपी साहब। ये दुकानों का मसला था कि शासन की जमीन थी और मंदिरों की जमीन थी, उस पर आप लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है, ये गलत है। कहना है गलत है, पहले कागज देखना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। हमारी निजी संपत्ति है, हमारे पूर्वज संत प्रयागदास जी, संत वैष्णोदास जी, संत राम आधारदास जी बाहर से भिक्षावृत्ति करके ला के और जमीने खरीदी है और मंदिर बनवाया है, जिसके हमारे पास ठोस प्रमाण है। 1766 में महंत आधारदास जी के द्वारा मंदिर निर्मित किया गया। दुकानों का क्या मसला है? दुकानों का मसला है हमारी मंदिर की जमीन है, जबरदस्ती कुछ दूसरे पंथ के लोग जबरन डिब्बा रखे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उसे हम बाउंड्री बना करके और दुकानें बना के मंदिर काय का स्रोत बनाना चाहते हैं और जमीन की रक्षा होगी, उससे बाउंड्री की बाउंड्री हो जाएगी और 4 पैसा मंदिर के आय का स्रोत होगा। महंत रामदास संकट मोचन मंदिर से करते, आपके ऊपर आरोप है कि आपने मंदिर की जमीन पे दुकानें बनाई हैं और आपको गुंडा शब्द कहा जा रहा है, क्या है मसला? मंदिर की जमीन पे बनाई है, ये वास्तविक सत्य है और मंदिर की ही जमीन है वो, इसलिए मंदिर की दुकानें हैं और जो लोग गुंडा शब्द कह रहे हैं, यही हमारे धर्माचार्यों को एवं धार्मिक संस्थाओं को ये शब्द सबसे बुरा ठेस पहुँचा है, इसीलिए हम लोग आज ज्ञापन देने एसपी ऑफिस पहुँचे हैं।